नमस्कार, मां अन्नपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के शाही कोफ्ते। देखिए कैसे बनते हैं। देखो सामने शाही कोफ्ते रखे हैं और हमने एक लौकी ले लिए 250 ग्राम। इसको छीलने की सहायता से छीलेंगे, पहले इसको छीलेंगे फिर ग्रेटर की सहायता से इसको ग्रेट करेंगे। लौकी को पहले पूरी छील लेंगे हम, बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं लौकी के कोफ्ते। वैसे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, लौकी की कोफ्ते बना दो तो फिर आराम से खा लेते हैं। लौकी की सब्जी खाने मुंह बनाते हैं। आज हम बढ़िया लौकी की सब्जी बनाएंगे। इस तरह से आप कोफ्ते बनाएंगे, आपके घर कोई गेस्ट भी आ जाए तब भी उनको खिला सकते हो, घर में तो खा ही सकते हैं सिंपल सब्जी से। लौकी को काट के मैं धो लिया है, ग्रेटर की सहायता से इसको ग्रेट करेंगे, मोटी तरफ से ग्रेट करेंगे इसको। जो मोटा हिस्सा होता है ना किशनी का, उस तरफ से ग्रेट करेंगे इसको। आराम से ग्रेट कर लीजिए धीरे धीरे। एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा भी करेंगे इसको। हमारी लौकी पूरी घिस गई है। अब इसी में हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी घिसेंगे। अदरक का टुकड़ा ले लिया हमने, ये भी इसी में घिस देंगे। डालना इसी में ग्रेटर से, इसी के साथ साथ में घिस जाएगा। लौकी घिस गई है हमारी पूरी। बेसन ले लिया हमने, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे इसमें, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 4 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ी सी धनिया डाली है काट के और हरी मिर्च डाली है इसमें, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे 1 चम्मच इसमें, और हाथ की सहायता से इसको अच्छे से पूरी में मिला देंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि बेसन में ही, लौकी में ही इतना पानी होता है, वो उतने ही में सब पूरा एब्जॉर्ब, बेसन एब्जॉर्ब कर लेगी और जितना अपन को कोफ्ता का डो चाहिए उसी तरह का बन जाएगा आपका। बिल्कुल पानी का छींटा भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, इतना पानी होता है लौकी के अंदर। थोड़ा सा बेसन और डलेगा, हमारे 5 चम्मच बेसन डल गए इसमें 250 ग्राम लौकी में। बढ़िया सा फैट ले लीजिए। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है इसमें। सरसों के तेल में ही कोफ्ते बनाएंगे हम, क्योंकि जो बेसन की चीजें होती है वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। कोफ्तों का आकार देंगे गोल गोल और उनको सेकते जाएंगे। गैस तेल हमारा गर्म हो गया, गोल गोल सेक देंगे कोफ्ते, सेक लेंगे। बहुत आंच को बहुत अधिक तेज नहीं करेंगे और बहुत मंदी नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे ही सेकेंगे इनको, क्योंकि अंदर से सिक जाए वो, हमारे अंदर से कच्चे ना रहे कोफ्ते। और आप तेज आंच कर लेंगे तो बाहर से तो सिक जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे, फिर सब्जी खाओगे तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। इसे हमेशा मीडियम आंच पे ही सेकना चाहिए इनको, एक एक करके डालते जाइए। सब्जी भी खाओ, बच्चों को ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ऐसे ही चटनी के साथ खाते हैं बच्चे। इनको कांटे की सहायता से पलट देंगे हम। आज को मीडियम ही रखे हैं, बहुत तेज कर देंगे तो एकदम से जल जाएंगे वो, अंदर तो नहीं पक पाएंगे।
इसे आँच को हम मीडियम ही रखे हैं, आराम आराम से सेक रहे हैं। देखो अब कैसे गुलाबी से गोल्डन से कलर के हो गए हैं। पलटते पलटते इनको निकाल लेंगे, बढ़िया सिक गए हैं, जैसे सुनहरी सुनहरी बने अंदर तक खूब बढ़िया सिक गए हैं। देखो कितने बढ़िया सिक गए हैं गोल्डन कलर के। अब दूसरा पानी डालेंगे इसमें, इनको भी गोल गोल करके डालते जाएंगे कोफ्ते का सिप देते हुए। मीडियम आंच में इनको भी सेक लेंगे बढ़िया। हमारे कोफ्ते सिक चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। इन्हें भी हमने मीडियम आंच में सेका है, तेज आंच में नहीं सेका है इनको। और तेल अधिक था ना गैस में, कढ़ाई में, वो हमने निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा तेल रहने दिया, बिल्कुल जरा सा, एक चम्मच तेल रहने दिया बस। ये 8-10 कली लहसुन की डाली हमने, साबित ही डाली है क्योंकि हमें मसाला पीसना है। और दो प्याज लंबे काटे हैं हमने, पतले पतले काटे हैं, इनको भी भून लेंगे। ये ग्रेवी तैयार हो रही है हमारी कोफ्ते की। प्याज को मीडियम आंच में भूनेंगे इसको सुनहरा होने तक। और दो टमाटर काट के रखे हैं हमने, प्याज को मीडियम आंच में आराम आराम से भूनते जाएंगे। देखो कैसी होने लगी, गोल्डन होने लगी। दो टमाटर भी इसमें डाल देंगे, उनको भी अच्छे से चला देंगे बढ़िया, और सौते करते हुए सॉफ्ट करेंगे इनको। और दो हरी मिर्च हमने इसमें डाली है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि कोफ्तों में भी हमने नमक डाला है, तो नमक का विशेष ध्यान रखें, नमक ज्यादा ना हो जाए, हिसाब से नमक डालें। ये ग्रेवी के हिसाब से और वो कोफ्तों के हिसाब से ध्यान रखें। और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनको ठंडा हो जाएगा जब हम मिक्सी में पीस लेंगे इनको ग्राइंडर में। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, अब वो हमारा प्याज टमाटर का मिक्सचर था वो ठंडा हो गया है, तो हमने उसको पीस लिया है ग्राइंडर में। अब गैस पे फिर से पैन चढ़ाया हमने, फिर एक चम्मच तेल डाला है, तेल अधिक नहीं डालेंगे, एक चम्मच आधी चम्मच सौंफ डालिए, आधी चम्मच जीरा डालिए, चौथे चम्मच हींग डालेंगे इसमें, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तेल हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि कोफ्ता हमने फ्राई किए हैं, उसका भी जब अपन ग्रेवी में डालते हैं तो तेल निकल कर आता है, तो तेल का विशेष ध्यान रखें, हिसाब से डालें तेल। ग्रेवी पीसी थी बोलने कढ़ाई में डाल दी है, उसको धीरे धीरे चलाएंगे। थोड़ा सा पानी जो कटोरी बचा था वो भी इसी में डाल दिया है। मीडियम आंच पे इसको चलाते चलाते मसाले को भूनेंगे, तेज आंच नहीं करेंगे हम, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि दो हरी मिर्चा भी हमने डाली है, और दो हरी मिर्च मैंने कोफ्ते में भी डाली थी। दो चम्मच धनिया पाउडर डाला है, इसका विशेष ध्यान रखें, मिर्चा अधिक ना हो जाए, नमक अधिक ना हो जाए, सब्जी का बैलेंस बराबर बना रहे।
क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं कि अब नमक नहीं डालेंगे इसमें। फ्रेश टमाटर भुना था उस समय हमने नमक डाला था इसमें। देखो मसाला हमारा भुन चुका है पूरा, कढ़ाई में छोड़ दिया है। एक कटोरी इसमें मलाई डालेंगे इसमें रिचनेस लाने के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है मलाई से कोफ्तों में, बहुत ही क्रीमी क्रीमी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी। आप काजू भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज काजू नहीं डाला था, मलाई डाली है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा। मलाई भुन गई है, इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी में। ग्रेवी हमारी पूरी तैयार हो गई है, जितनी आपको गाढ़ी पतली चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिए, क्योंकि कोफ्ते भी जब अंदर डालेंगे ग्रेवी में तो वो भी सोखते हैं पानी को। कैसी ग्रेवी, क्रीमी क्रीमी सी लग रही है ना, बहुत अच्छी लगती है देखने में, खाने में तो अच्छी लगती ही है। अपने हिसाब से पानी डाल लीजिए आप। जब ग्रेवी में उबाल आने लगेगा तो कोफ्ते डाल देंगे इसमें। देखो उबाल आने लगा है, अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे हम। बस कोफ्ते डाल लेंगे, बस 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारी पक चुकी है, कोफ्ते हमारे पके हुए हैं। ज्यादा पकाएंगे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होके बिखर जाएंगे हमारे कोफ्ते, कोफ्ते बहुत सॉफ्ट है। हल्का सा ढक देंगे इनको। मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिस चीज से भी पसंद हो आप खाइए, एंजॉय करिए। और मेरी रेसिपी देखकर कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। देखो सब्जी तैयार हो गई है हमारी, धनिया डालेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। बस सर्व करने के लिए तैयार है। और सामने गोल बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, धन्यवाद, जय माता दी।